नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज, खबर पटना से है। अब पटना वासियों को नहीं मिलेगा जाम। जी हां, सीएम नीतीश ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोहिया पथ चक्र परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान लोहिया पथ चक्र परियोजना के अंतर्गत सर्कुलर रोड जंक्शन, पुनाइचक जंक्शन, हड़ताली मोड़ जंक्शन के पास मल्टी जंक्शनल ट्रैफिक व्यवस्था के लिए संरचनात्मक निर्माण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जानकारी दी गई कि इसके अंतर्गत ट्रैफिक सिग्नल फ्री यातायात की व्यवस्था की जाएगी। सगना मोड़ से होते हुए डाक बंगला चौराहे तक रोड पर कहीं भी रेड लाइट पॉइंट पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी, आपको मालूम होगा और शायद कुछ लोगों को नहीं भी मालूम हो, यहाँ से लगभग 10 साल पहले की बात, जब IIT दिल्ली का एक प्रपोजल हम लोगों को देखने को मिला था और किस तरह से पथ चक्र बनेगा, उस समय ही हम लोगों के मन में बात आ गई थी कि इतना ज़्यादा सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, सब कुछ सब जगह हो रहा है और ये पूरा का पूरा ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा का आना जाना पड़ता चला जाएगा, तो हम लोगों को ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कोई भी तरह से कहीं जाना चाहता है उसका एक अलग रास्ता रहे। तो उसी के हिसाब से जो इनका कंसेप्ट था, देख करके हम लोगों को बहुत खुशी हुई और सबसे पहले देश में बिहार में ही इसको एडॉप्ट किया गया और उसी के हिसाब से हम लोगों ने तय किया, इसका नामकरण किया लोहिया पथ चक्र। और समझ लीजिए कि इसमें 49 रास्ते इसके अलग अलग बने, यानी कोई तरफ से कहीं जाना है, ये तीन तरफ यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से आगे जाइएगा तो करीब करीब जो हाईकोर्ट का बिल्डिंग है उसके पास से जो जाता है, तो सब जगह का जो कंसेप्ट था उसी के हिसाब से इसका काम शुरू किया गया। लेकिन अभी काम शुरू हुआ पिछली बार तो इसके नीचे पानी काफ़ी कम ही दूरी पर है, ये निकल गया तो उसके लिए फिर उसके समाधान का रास्ता एक बात आ गई, इसलिए ये थोड़ा सा जिसको कहिए कि जितना तेज़ी से होना चाहिए था नहीं था। और इस बीच में हम लोगों का और भी था कि एक बीच में ब्रिज भी बना देंगे, लेकिन बाद में चूंकि फिर रेलवे से ज़मीन मिल गई और उससे दूसरा ब्रिज बन ही रहा, तो हुआ कि ये सीधे जो ये रास्ता है नेहरू पथ का, ये नीचे से ही चला जाएगा। तो बाकी जगहों पर चूंकि एक तरफ पानी का ये आ गया जब यहाँ से नीचे, तब उसके बाद फिर पूरे डिजाइन में थोड़ा बहुत विशेषज्ञों ने इसमें थोड़ा चेंज किया और वही हम देखने आए, चूंकि काफ़ी दिन हो गया है और हमको लग रहा था कि इतना इसको तेज़ी से काम होना चाहिए, अभी तक काम पूरा क्यों नहीं हुआ, हमने ये क्वेरी की तो उसी के बाद ये बात हुआ, इसका डिटेल लेकर आए थे तो हमने कहा हम चल करके देख लें, तो आज हमने देख लिया है और अब इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि ये वाला पोर्शन जून के अंत तक हो जाएगा, लेकिन नीचे का जो पानी है उसको यहाँ से डिस्चार्ज का भी इंतजाम उसके पहले कर देना पड़ेगा ताकि किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आए। और इसके आगे जो दो तीन जगहों पर और काम होना है उसके लिए इन लोगों ने थोड़ा उसमें संशोधन किया है कि ज़्यादा नीचे गहरा नहीं करना पड़ेगा ताकि नीचे के पानी का कोई संकट नहीं है, तो ये सब चीज़ है, इसी के लिए हम देख करके आए। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो, ये वाला पोर्शन अगर हमको आश्वस्त किया है कि जून तक पूरा हो जाएगा और उसके आगे का जितना भी है वो बताइए कब दिसंबर 21 दिसंबर, अगले साल अंत तक वो बाकी सब पूरा हो जाएगा, तब एक बार जब ये पूरा तैयार हो जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा। और इसके साथ ही हमने आज ये भी कह दिया इसके सुरक्षा का भी इंतजाम करिए, नीचे का जगह जो खाली रहता है तो उसके लिए भी इंतजाम ऐसा करिए कि कोई अनावश्यक इसमें नहीं आ सके, वो सबको बिल्कुल प्रोटेक्टेड करिएगा और देख लीजिएगा। तो ये सब सारी बात हो गई है, तो अब जब समूचा बन जाएगा तो आप देखिएगा कि किस तरह से कितने रास्ते पर लोग जा रहे हैं, यानी एक तरफ से अगर निकल रहे हैं तो एक तरफ से ही निकल रहे हैं, फिर दूसरे तरफ जाने का रास्ता बना हुआ है तो किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी, चाहे जितना भी ट्रैफिक हो सबके जाने आने के लिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो एक 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 नया ये कंसेप्ट है और ये बन करके तैयार हो जाएगा और पूरा ये प्रभावकारी रहेगा तो फिर इसका अनुकरण
अन्य जगहों पर भी किया जा सकता है, और जब ये खूब अच्छा बन जाएगा तो हमको तो भरोसा है कि दूसरे राज्य के लोग भी आकर के इसको देखेंगे और करेंगे। लेकिन खैर ये बहुत दिनों की बात है, और इसके लिए तो फिर अंत में 13 में सब कुछ तैयार हो गया था और काम भी 15 से शुरू करने की बात आ गई, तो खैर थोड़ा उसमें डिलेट हुआ। लेकिन जो हमने पहले बताया कि अभी पानी का संकट आ गया उसके चलते ये थोड़ा डिलेट हुआ है, लेकिन अब उसका समाधान लोगों ने निकाल लिया है, यहाँ के पानी को निकाल करके हम आगे ले जाएंगे और जो बोरिंग कैनाल रोड है उसी में पानी उसको डालेंगे। तो नीचे जो उसका आप जानते ही हैं कि पानी का है नीचे रास्ता, कैनाल बना हुआ उसके साथ इसको जोड़ेंगे तो एक रास्ता निकल जाएगा, और इतना ये उपयोगी होगा बाद में कि फिर इसको दूसरी जगह पर भी अपनाया जा सकता है, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने देश अपने राज्य में भी कर सकते हैं, और संभव है कि दूसरे जगह के लोग आए। इनका रिसर्च जो हुआ और इनका जो प्रोजेक्ट था इसको हम ही लोगों ने देखा और हमको तो भाई बहुत पसंद आया, हमने कहा बहुत ही उपयोगी होगा। तब चलिए थोड़ा डिलेट हुआ है लेकिन ये हो जाएगा, कभी कभी होता ही है कि आदमी जो चाहता है कि जल्दी हो तो कुछ डिलेट होता है, लेकिन जब हो जाएगा तो बहुत अच्छा। अरुणाचल प्रदेश में छह विधायक आपके पार्टी छोड़ के बीजेपी चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए, देख रहे हैं क्या आपकी सहमति थी या पहले से ही ऐसा कुछ चल रहा है? ये सब कोई बात नहीं, अभी हम लोगों का मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वो अलग हो गया है।